नासरीन, संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है, जहां रोमांस, इमोशन, एक्शन सब कुछ ही देखने को मिलता है। अमीर बाप के घर पैदा हुआ ये बिगड़ा हुआ लड़का जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही नशे का आदी हो चुका था और अपनी भरपूर जवानी में घर वालों से चोरी असलहा रखने के जुर्म में गद्दार और टेररिस्ट करार दे दिया गया, जिसके बदले कई साल उसे जेल में गुजारने पड़े। जब इस लड़के को समझ आती है कि नशा उसे अंदर से खत्म करता जा रहा है, तो वो खुद को नशे से अलहदा करने की ठान लेता है। अपनी पहचान दोबारा से हासिल करने की ये जद्दोजहद इस लड़के को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बना देती है। संजय दत्त की इस उतार चढ़ाव वाली जिंदगी में रोमांस की भी एक अलग ही जगह है, जहां उन्होंने अपनी बायोपिक संजू में 308 गर्लफ्रेंड्स और 350 लड़कियों के साथ हम बिस्तर होने का एतराफ किया है। आज के वीडियो में हम आपको संजय दत्त की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, संजय दत्त 19 जुलाई 1959 को मुंबई में पैदा हुए। संजय के फादर सुनील दत्त एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और उनकी मदर नरगिस दत्त एक बड़ी अदाकारा थी। नंबर 2, संजय दत्त अभी सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने पहली मर्तबा सिगरेट पिया। संजय के फादर सुनील दत्त क्योंकि एक बड़े आदमी थे, तो इस वजह से उनके घर अक्सर ही दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। जब वो दोस्त शाम के वक्त बैठकर महफिल जमाते तो साथ में सब सिगरेट भी पीते। ये सब देखकर संजय दत्त बहुत ही इन्फ्लुएंस होते थे। एक दिन संजय ने एस्ट्रे में पड़ी एक आधी बची हुई सिगरेट उठाई और जलाकर पी ली, और फिर ऐसे ही संजय दत्त ने कई मर्तबा सिगरेट पिया। लेकिन जब ये बात उनके फादर को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि घर में संजय दत्त की आदतें खराब हो रही हैं। उन दिनों सुनील दत्त के इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंदिरा गांधी ने सुनील को मशवरा दिया कि वो संजय दत्त को किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दें। यूं संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया गया और संजय दत्त ने 9 साल तक बोर्डिंग स्कूल में गुजारे। नंबर 3, स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब संजय दत्त घर वापिस आए तो उनका आगे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन उनके फादर का कहना था कि लाइफ में तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। सुनील दत्त ने जबरदस्ती संजय दत्त को मुंबई के एक कॉलेज में दाखिल करवा दिया, लेकिन संजय अपने पहले साल में सिर्फ 3 से 4 दिन ही कॉलेज गए। यही वो टाइम था जब संजय दत्त को हैवी ड्रग्स करने की लत लगी। नंबर 4, अपने कॉलेज के दिनों में ही संजय दत्त ने एक्टर बनने का सोच लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक आसान काम है। लेकिन जब ये बात उन्होंने अपने फादर को बताई तो वो संजय पर सख्त गुस्सा हुए और कहा कि अगर एक्टर बनना इतना ही आसान होता तो मुंबई में हर दूसरा बंदा एक्टर होता। अगर तुम वाकई में एक्टर बनना चाहते हो तो कम अज कम 2 साल तुम एक्टिंग की ट्रेनिंग लो। इस पर संजय ने ज्यादा बहस नहीं की और एक्टिंग सीखना शुरू कर दी। नंबर 5, संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी जब रिलीज हुई तो उस वक्त तक संजय दत्त पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके थे और फिल्म के सेट पर भी वो नशा किया करते थे। ये चीज उनकी एक्टिंग में भी वाजे तौर पर देखी जा सकती है कि वो नशे की हालत में एक्टिंग कर रहे थे। जिस वक्त रॉकी रिलीज हुई तो उस वक्त संजय दत्त की मदर अपने कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को बड़ी स्क्रीन पर जरूर देखें। लेकिन रॉकी का प्रीमियर रिलीज होने से सिर्फ 5 दिन पहले उनकी मदर की डेथ हो गई। इसलिए जब रॉकी का प्रीमियर रिलीज हुआ तो सिनेमा हॉल में संजय दत्त ने अपने साथ एक चेयर अपनी मदर के नाम पर खाली रखी। नंबर 6, रॉकी के सेट पर ही संजय दत्त और टीना मुनीम एक दूसरे के करीब आए और तकरीबन 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। संजय दत्त की नशा करने की आदत से ही तंग आकर टीना मुनीम ने ब्रेकअप किया था। टीना ने बताया कि
संजय ने हमेशा उनसे अपनी ड्रग प्रॉब्लम छुपाई और नशे की हालत में वो उन्हें काफी परेशान करते थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में काफी डिफरेंसेस आ गए। फिल्म रॉकी के ही आउटडोर शूट के दौरान एक आदमी टीना मुनीम को छेड़ने लगा। जब संजय दत्त ने ये देखा तो उन्होंने वहीं पर उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट का जिक्र संजय दत्त ने अपने कई इंटरव्यूज में किया है। उनका कहना था कि वो टीना के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थे और उस वक्त वो अपनी भरपूर जवानी में थे, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नंबर 7, जब टीना और ऋषि कपूर एक साथ किसी फिल्म में काम कर रहे थे तो उस वक्त टीना और ऋषि के अफेयर की खबरें आने लगी। उस वक्त तक संजय और टीना का मुकम्मल तौर पर ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद संजय से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा ऋषि कपूर के घर चले गए और वहाँ वो ऋषि को धमकाने लगे। लेकिन ऋषि की बीवी नीतू सिंह ने संजय को समझाया कि ये सब रूमर्स हैं, ऋषि का टीना के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। नंबर 8, टीना से ब्रेकअप करने के बाद संजय दत्त सख्त डिप्रेशन का शिकार हो गए। उसी रात संजय दत्त बहुत गुस्से में घर आए, नशा किया और नशे की हालत में गन निकाल कर हवाई फायरिंग करने लगे। ये सब देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दी और ये पहली मर्तबा था जब संजय दत्त जेल गए, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई, जहां उन्होंने अदालत के सामने कहा कि उनसे गलती से गोली चल गई थी। लेकिन कई सालों के बाद जब वो अपनी नशा करने की आदत छोड़ चुके थे तो तब उन्होंने एतराफ किया कि उनसे ब्रेकअप सहा नहीं गया और इसी वजह से गुस्से में आकर उन्होंने फायरिंग की। नंबर 9, ड्रग्स की वजह से संजय दत्त हमेशा सेट पर लेट आते थे, जिसकी वजह से कई मर्तबा फिल्म मेकर्स को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती। प्रोड्यूसर संजय दत्त की इस आदत से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने इससे ओवरकम करने के लिए फिल्म के सेट पर ही संजय दत्त को ड्रग्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी शूटिंग मजीद डिले हो। इससे उनकी शूटिंग तो होती रहती थी, लेकिन इससे संजय दत्त की नशा करने की लत और भी बिगड़ रही थी। संजय हर फिल्म में नशे में होते थे और ये बात उन्होंने खुद भी मानी। उनका कहना था कि अपनी पुरानी फिल्में तो वो खुद भी नहीं देख सकते। नंबर 10, संजय दत्त जब भी अपने घर में नशा करते थे तो अपना रूम लॉक कर लेते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो वो संजय दत्त की हालत देखकर रोने लगा। संजय ने जब रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि बाबा आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हो। ये बात संजय दत्त को बुरी तरह से हिट कर गई और उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा और खुद से पूछा कि मैं ड्रग्स पर इतना डिपेंडेंट कैसे हो गया हूँ। यही वो टाइम था जब संजय दत्त ने नशे से छुटकारा पाने का सोच लिया। अगले ही दिन वो अपने फादर के पास गए और कहा कि मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। सुनील दत्त ने भी फील फॉर एक्शन लिया और संजय दत्त को अमेरिका के एक रिहेबिलेशन सेंटर में भेज दिया और वहाँ जाकर संजय दत्त की ये आदत खत्म हुई। नंबर 11, टीना मुनीम से ब्रेकअप करने के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को डेट करना शुरू किया, जो कि उन दिनों अपने बोल्ड सीन्स की वजह से बहुत मशहूर थे। लेकिन संजय दत्त की नशा करने की आदत की वजह से ये रिलेशनशिप सिर्फ चंद महीने ही चल सका और किमी ने अपना रास्ता बदल लिया। नंबर 12, साल 1986 संजय दत्त के लिए लकी साबित हुआ, जहाँ नाम उनके करियर की पहली फिल्म बनी जो कि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई और इस फिल्म के बाद संजय दत्त को एक अच्छे एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। इसी साल संजय दत्त की मुलाकात रिचा शर्मा से भी हुई, जो कि उस वक्त एक नामवर अदाकारा थी। उस वक्त तक संजय दत्त अपनी नशा करने की आदत भी छोड़ चुके थे। दोनों ने कुछ टाइम एक दूसरे को डेट किया और जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया। 1987 में दोनों ने शादी कर ली और 1988 में रिचा ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसका नाम है त्रिशला दत्त। लेकिन बेटी की पैदाइश के सिर्फ 4 महीने के बाद ही ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और उन्हें अमेरिका के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। संजय के लिए ये टाइम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उनका करियर टॉप पर चल रहा था तो दूसरी तरफ उन्हें बीवी की खबर लेने बार बार अमेरिका जाना पड़ता था। नंबर 13,
सभी जानते हैं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का भी एक लंबे अरसे तक अफेयर रहा है और स्क्रीन पर भी उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब रिचा शर्मा जेरे इलाज थे। विजय शर्मा ने कई मर्तबा ओपनली कहा कि माधुरी की वजह से हमारी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। संजय और माधुरी हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। अगर कभी माधुरी शूटिंग पर ना आती तो संजय दत्त घंटों लंबी फोन पर बात करते। बात इस कदर बढ़ चुकी थी कि मशहूर डायरेक्टर सुभाष गए को माधुरी के साथ नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसके मुताबिक जब तक फिल्म की शूटिंग मुकम्मल ना हो जाए वो प्रेगनेंट नहीं होंगे। क्योंकि जिस कदर संजय और माधुरी एक साथ टाइम गुजारते थे, उन्हें लगने लगा था कि कहीं माधुरी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट ना हो जाएं और फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त के जेल जाने के बाद माधुरी ने संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया और वो जेल में संजय दत्त से मिलने तक नहीं गई। नंबर 14, माधुरी की वजह से ही रिचा शर्मा ने संजय दत्त से तलाक लेने का फैसला कर लिया, लेकिन संजय दत्त चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पास रहे, जबकि रिचा चाहती थी कि बेटी की कस्टडी उन्हें मिले। यूं उनका ये केस अदालत में चला गया और तकरीबन 5 साल तक ये केस चलता रहा। इस केस का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था कि 1996 में रिचा शर्मा की डेथ हो गई और बेटी की कस्टडी संजय दत्त को मिल गई। नंबर 15, 1992 की फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन ये संजय दत्त के करियर की वो फिल्म है जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान ने संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलवाया और यही से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर और हनीफ ने संजय दत्त की रिक्वेस्ट पर उन्हें गन्स ला कर दिए। संजय दत्त को 3 गन्स और कुछ हैंड ग्रेनेड्स दिए गए, लेकिन संजय दत्त ने सिर्फ 1 गन रखी और बाकी चीजें वापस कर दी। संजय ने कहा कि ये गन उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी। नंबर 16, जब 1993 में मुंबई में धमाके हुए तो समीर और हनीफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनके बारे में पता चला कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के लिए काम कर रहे थे और मुंबई अटैक्स में इस्तेमाल किए गए हथियार भी उन लोगों के थ्रू ही सप्लाई किए गए थे, तो इसी कनेक्शन में संजय दत्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। संजय को जब अदालत में पेश किया गया तो संजय ने जज के सामने मौकफ इख्तियार किया कि ये गन उन्होंने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए खरीदी थी, लेकिन जज ने उनकी इस कहानी पर यकीन नहीं किया क्योंकि संजय के घर ऑलरेडी 3 लाइसेंस्ड गन्स मौजूद थे। इसलिए कोर्ट नहीं मान रहा था कि संजय दत्त को इलीगल गन्स खरीदने की क्या जरूरत पेश आई और संजय दत्त को जेल की सजा सुना दी गई। नंबर 17, जब 1993 में खलनायक रिलीज हुई तो उस वक्त संजय दत्त जेल में थे, तो फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष गए ने संजय के जेल में होने का फायदा उठाया और फिल्म की टैगलाइन यस आई एम द विलन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उन्होंने कुछ इस तरह से हाइप क्रिएट की जैसे कि संजय दत्त अपनी रियल लाइफ में भी विलन हो। इन्हीं रीजंस की वजह से खलनायक उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बने, लेकिन इससे संजय दत्त की पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। नंबर 18, 2013 में जब संजय दत्त ने दोबारा जेल जाने के लिए सुरेंडर किया तो बाकी कैदियों की तरह उनसे भी काम करवाया गया। संजय दत्त पेपर बैग्स बनाते थे जिसके बदले उन्हें 50 रुपए मिलते थे। 2016 में जब संजय दत्त को जेल से रिहा किया गया तो उस वक्त तक उनकी कमाई 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वो ज्यादातर अमाउंट जेल की कैंटीन पर ही खर्च कर चुके थे। जेल से रिहाई के वक्त उनका बैलेंस 450 रुपए था, जो कि उन्होंने अपनी वाइफ मन्याता दत्त को दिए। नंबर 19,
माधुरी दीक्षित से ब्रेकअप करने के बाद संजय दत्त की जिंदगी में रिया पिलाई की एंट्री हुई, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल थे। संजय जब जेल में थे तो रिया पिलाई हमेशा उनसे मिलने जेल में जाती थी। वहीं से दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ी और 1998 में दोनों ने शादी कर ली। संजय ने वैलेंटाइंस के दिन रिया को प्रपोज किया और उसी दिन उन्होंने बगैर किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। यहाँ तक के संजय के फादर को भी ये बात न्यूज से ही पता चली। नंबर 20, शादी के कुछ सालों बाद ही रिया और संजय दत्त दोनों की ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आने लगी और 2005 में दोनों ने तलाक ले ली। इसी दौरान संजय दत्त की लाइफ में मन्याता दत्त ने एंट्री मारी। मन्याता उस वक्त बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें संजय दत्त ने उनकी मदद की और गंगाजल फिल्म में मन्याता को एक आइटम सॉन्ग दिलवाया। संजय और मन्याता ने कुछ साल एक दूसरे को डेट किया और 2008 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 21, संजय दत्त की बीवी मन्याता दत्त ने अपने स्ट्रगलिंग दौर में एक सी ग्रेड फिल्म की थी, जिसका नाम था लवर्स लाइक अस। इस फिल्म में मन्याता दत्त ने बहुत सारे बोल्ड सीन्स किए थे। जब संजय दत्त को ये बात पता चली तो उन्होंने इस फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए और मार्केट से इस फिल्म की सारी सीडीज और डीवीडीज भी हटवा दी, क्योंकि संजय नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी की ये सूरत कभी भी पब्लिक के सामने आए। नंबर 22, मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त के करियर की कामयाब तरीन फिल्म है और ये करेक्टर उनकी पहचान बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म शाहरुख खान के लिए लिखी गई थी, लेकिन बाद में शाहरुख ने इनकार कर दिया और संजय दत्त को चांस मिल गया। उसके अलावा मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म थी जिसमें पहली बार संजय दत्त अपने फादर के साथ नजर आए। फिल्म के एंड पर एक सीन में संजय दत्त के फादर उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को तो बहुत जादू की जफ़ी दी है, आज अपने बाप को भी गले लगा लो। ये सीन उन दोनों के लिए ही बहुत इमोशनल था, क्योंकि संजय दत्त रियल लाइफ में भी अपनी माँ के बहुत करीब थे, लेकिन सुनील से वो दूर ही रहते थे। इस सीन को जब शूट किया गया तो कट कहने के बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और काफी देर तक गले लग कर रोते रहे। नंबर 23, 1993 में शुरू हुआ संजय दत्त का केस तकरीबन 20 साल तक चला। इसमें कई मर्तबा संजय दत्त जेल भी गए। 2013 में आखिरकार इस केस का फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुना दी, लेकिन संजय ऑलरेडी 1.5 साल जेल में गुजार चुके थे, इसलिए अब उन्हें सिर्फ 3.5 साल के लिए ही जेल जाना था। लेकिन इस दौरान भी संजय दत्त अक्सर ही पैरोल पर बाहर आ जाते थे। उसके अलावा जेल में उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से 2 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया। तो नासरीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।